अस्सलाम दोस्तों, आज व्लॉग थोड़ा लेट बना रहा हूँ। सुबह बल्कि रात मैं लेट सोया हूँ काम की वजह से। 2:30 बजे मैं सोया था और सुबह मुझे 5 बजे उठना पड़ा क्योंकि काम पेंडिंग में था और हमने सुबह सुबह कहीं जाना था, उसके लिए भी थोड़ा लेट हो गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे निकल रहे हैं। टाइम है 7 बजे निकलना था और अब 9:45 बज चुके हैं। हमने कल बताया था कि हम 10 बजे वहां पे पहुंच जाएंगे और अभी तक हम सुनामा में अपने मतलब घर में ही हैं। सुबह सुबह उठ के मैं सुनामा आया हूँ, यहाँ से थोड़ा सामान लेना था नाश्ते का, उसके बाद मैं घर पहुंचा हूँ। उस वक्त तकरीबन 8 बज चुके थे। मैं डरा हुआ था, मैंने कहा मुनव्वर का मैसेज आ जाएगा कि आ जाओ, लेकिन वो भी मेरी तरह लेट हो गए हैं। यार ये क्या बात है मुनव्वर साहब, तो सारी बात है मुनव्वर भाई, कुछ तो इज्जत होनी चाहिए। अच्छा कुछ रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपको, कुछ आपको थोड़ी सी इंट्रो दे दूं। जो मेरे साथ मेरे दोस्त मेरे भाई हैं, हम 4 बंदे जा रहे हैं यहाँ से। एक हुसैन आबिद साहब हैं, इनका भी यूट्यूब चैनल है, अपने यूट्यूब चैनल ठीक है। और अशरफ भाई हमारे साथ हैं, इनकी शॉप, और मुनव्वर साहब हमारे साथ मशहूर मशहूर यूट्यूबर। अच्छा वही है जो अपनी गलती को तस्लीम करके वो फिर अपने आप को ना थैंक यू मैंने सुधार लिया ना। मुनव्वर साहब मुझे मतलब अजीब लगता है कहने में, मुनव्वर भाई ठीक है, मुनव्वर भाई मुझे अच्छा लगता है। भाई इतना लंबा इंट्रो हो गया है, हम इस वक्त जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मुझे ये भी पता नहीं है। सब हॉस्पिटल रात ये बताएंगे अभी नहीं, रात रही व्लॉग को एंड तक देखिए कि हमने वहाँ पे पहुंच के बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं और हमारे साथ रास्ते को इस सफर को एंजॉय करें। गाजी घाट पहुंच चुके हैं, उस पुल पे इंडस रिवर से हम गुजर रहे हैं। अब मैंने कहा चलो ये सनरूफ खोल लेते हैं ताकि नज़ारा ले सकें यहाँ का। हम निजी एरिया में पहुंच चुके हैं और अब आप लोगों को भी अंदाज़ा हो चुका होगा कि हम कहां जा रहे हैं। अगर आपको अंदाज़ा हो चुका है तो आप कमेंट पे बता दें, और इसके अलावा वीडियो आप पूरी देखते रहें। ये नहीं है कि हाँ आपको पता चल गया तो वीडियो छोड़ दें, आगे जो मज़ा आने वाला है ना, जो मेन ट्विस्ट है वो आगे है। रेगिस्तान रेगिस्तान के बाद पहाड़ शुरू हो रहे हैं, इसके बाद पहाड़ शुरू हो रहे हैं, बस हम जल्द ही पहाड़ों में होंगे इंशाल्लाह। यार तो सारे को कैमरे इधर का आउटिंग के लिए सूटेबल नहीं है लगना खड़े ना जी, मैं नहीं को लगी अच्छा हम जब तुसा के आसो अशरफ जी इस पॉइंट पे रुके हैं, यहाँ पे थोड़ा दोस्त को हल्का होना था, ये हल्का हो गया और हम बस बढ़िया टांगे सीधी कर लेंगे अपनी, बैठ बैठ के थक गए थे। आप क्या कहेंगे? नथिंग स्पेशल, जेडी चीज बस रुके वहाँ, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट स्टे करके अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं।
ये गाड़ी, ये पिछली वीडियो में ये गाड़ी आप लोगों ने देखी होगी, ये तैयब के व्लॉग्स। और साथ में फरहाद इमाद को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, उसे देखने से सब्सक्राइब करना। ये बार बार ऐसे नहीं बोलते, जैसे भी बोलते हैं देखेंगे जरूर, बार बार बोलने से ना लोग उकता जाते हैं। ये मेरा कैमरा भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है मोबाइल का, ये देखिए जी। इसके अलावा जब मुनव्वर भाई के कैमरे को देखते हैं ना, तो फिर दिल करता है कि आईफोन से वीडियो बनाई जाए। तो आप लोगों ने ये साथ देना है, आप लोगों ने साथ देना है, और हमने मिल के यूट्यूब को चलाना है, और फिर हम अपना आईफोन लेंगे, उसके साथ वीडियोज बनेंगे। उसके शशके ये अलग होते हैं, वीडियो भी अच्छी बनती है उससे। अच्छा मजे की बात ये है कि बादल बन गया, माहौल मौसम कमाल का बन गया अब। आज जो मौसम है ना वो रोहर के ऐन मुताबिक है, आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इंशाल्लाह। हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं, और ये वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हो गई है वीडियो, ये तो इसके दो पार्ट कर लेते हैं, इसे यहीं पे एंड कर देता हूँ और नेक्स्ट यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ उस जगह पे हम पहुँचने वाले हैं इंशाल्लाह, खैर से अब पहुँच जाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में वहाँ की जो ब्यूटी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।